संसार सभा की कि उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद मुझे अपना समर्थन दिया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के बुनकर हस्तकार के जो हमारे श्रमिक हैं जो ज़्यादातर अंसारी समाज से जुड़े हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में पिछड़े मुसलमानों की तादाद बहुत बड़ी है और वो बहुत ही छोटे हथकरघा कारखानों में या घरेलू कामों में अपना से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो इससे इन्होंने अगर मुझ पर यकीन किया है तो मैं इनसे मेरी वार्ता हुई थी, मैंने इनका मांग पत्र देखा है। इनके मांग पत्र में बहुत सारे बिंदु हैं वो आपको इन्होंने दिए होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उसका लबड़ जवाब ये है कि ये बेहतर शिक्षा, रोज़गार, हथकरघा क्षेत्र में जो शोषण वादी व्यवस्था है, जो इन्हें कर्ज मिलने में दिक्कतें आती हैं, इन सब चीज़ों से वो निजात चाहते हैं और ये कोई इनकी नाजायज़ मांग नहीं। आरक्षण की बात भी इन्होंने उठाई है, वो तो आप जानते हैं कि संसदीय विषय है, अगर मैं जीत के जाती हूँ तो अवश्य इनके मसौदे को, इनकी बात को सही फोरम पर उठाऊँ। लेकिन आपने भी देखा होगा जब मैं यहाँ थी प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय या उस वक्त मैंने बुनकरों के विषय को बहुत जोरदारी से उठाया था। मैंने पूर्वांचल का दौरा किया, राहुल गांधी जी को मऊ, आजमगढ़, वाराणसी के हथकरघा हमने जो बुनकर भाई बंधु थे उनके काम करने के घर पे तरीके दिखाए, उनसे उनका संवाद कराया। बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हमने वाराणसी में की जिसमें पूरे पूर्वांचल के लगभग 1,500-2,000 बुनकर प्रतिनिधि आए थे। उस वहाँ पर हमने सारे मंत्री परिषद को मंत्रालय में, अल्पसंख्यक मंत्रालय, हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन सबको बनारस बुलाया था और वाराणसी में उनके साथ गुफ्तगु हुई, रेजोल्यूशन कि बुनकरों के कर्ज माफ होने चाहिए। फिर हमने ऐसी कॉन्फ्रेंस 2011 में मैंने मेरठ में की और मेरठ में भी 3,000-4,000 बुनकर करते हुए थे। हम लोग राहुल जी से मिले, राहुल जी को बात समझ में आई, उन्हें अच्छा लगा कि इस तरह के विषय को कांग्रेस पार्टी ने उठाया और वो हमें प्रधानमंत्री के पास ले गए। प्रधानमंत्री जी ने, मैं जल्दी आपको ऐसी रिफ्रेश कर रही हूँ कि आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने जयराम रमेश जी को नोडल मंत्री बनाया। उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग जो अंसारियों की तंजीमें थी और जो बुनकर एसोसिएशन थे, सीधे बुनकर कारीगर थे, कम से कम 500 लोगों से अलग अलग वो ग्रुप्स में मिले और सबसे बात करने के बाद ये मसौदा तैयार हुआ और अब करीब करीब 6,500 करोड़ का पैकेज बुनकरों को दिया गया था। बुनकरों के हालात को बेहतर बनाने के लिए यान पे इम्पोर्टेड यान पे जो ड्यूटी थी वो करीब करीब खत्म कर दी गई। तो ये मैं जो कहना चाहती हूँ, मैंने इनको यकीन दिलाया कि हमने पैकेज दिया था, हाँ उस पैकेज का फ़ायदा सोसाइटीज़ को तो मिला कर्ज माफ़ी के रूप, लेकिन जो असली बुनकर था, गरीब था, उसको शायद नहीं मिला और आज भी वो बहुत ही गरीबी मुफलसी की ज़िंदगी बिता रहा है। बच्चे पढ़ने नहीं जाते, गंदे माह में रहना पड़ता है, स्वास्थ्य की कोई इंतजाम नहीं है, ऋण लेने के तरीके नहीं मालूम, बहुत सारी जानकारियाँ उन पर नहीं हैं कि 15 निकायत कार्यक्रम में क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं। तो इन सब मुद्दों पर हमारी इनसे चर्चा हुई है और मैंने इनको यह वादा किया है कि इनके जो मसाइल हैं उनको सही फोरम पर मैं ज़रूर उठाऊँगी। तो इन्होंने कन्विंस होकर मुझे समर्थन देने का ऐलान किया है, उसके लिए मैं इनकी शुक्रिया।